हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंधम अकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं हर दिन एक नया सवाल इन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। ट्रिग्नोमेट्री एक वेरी वेरी हॉट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, जो कि 11th और 12th ग्रेडर्स दोनों को अफेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं सवाल है क्या। लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फॉर एन इक्वल टू 1, 2, 3 लेट देयर बी एन एक्सप्रेशन एक्स एन। एक्स एन की एक्सप्रेशन दे रखी गई है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर क्या करेगा, वो x1 और x2 और x3 की वैल्यू को लिखने की कोशिश करेगा। तो चलिए आइए उसी कोशिश में। x1 की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो 2 टू द पावर माइनस 2 इज 1/4। कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ सी हो जाएगा आपका कॉस टू दी पावर एन ए, कॉस टू दी पावर एन बी और कॉस टू दी पावर एन सी रेस्पेक्टिवली। और कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी तो जो के त्यों रहेंगे, उनको ऐसे ही रहने देते हैं। अब लिखते हैं एक्स टू की वैल्यू। एक्स टू हो जाएगा 2 टू दी पावर ऑफ -1, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर बी कॉस स्क्वेयर सी, और बाहर आएगा आपका कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसी प्रकार से x3 की वैल्यू लिख देते हैं। x3 हो जाएगा आपका cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c प्लस cos a, cos b, cos c। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा टर्म मिले जो कि ट्राइंगल के कंडीशनल आइडेंटिटी से मैच करता हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि कॉस ए और कॉस क्यूब ए के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा कॉस स्क्वायर ए बन के आ जाए, ताकि उनके एडिशन में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़े। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट मालूम है ए एम जी एम इनइक्वालिटी का। ठीक है, हम सारे लोग ए एम जी एम इनइक्वालिटी जानते हैं, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में ये कंसेप्ट बहुत बार यूज़ होता है। तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी क्या कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म है, ए और बी मान लीजिए दे आर पॉजिटिव टर्म्स, तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एन बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इनइक्वालिटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं 1/4 कॉस ए पे और कॉस क्यूब ए पे, ताकि हम इसको रिलेट कर पाएं कॉस स्क्वायर ए से। क्योंकि जैसे ही आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, एक फीलिंग आती है कि भैया कॉस ए है, एक कॉस क्यूब ए है, तो हो सकता है कॉस स्क्वायर ए आ जाए अंडर रूट करने पे। तो कुछ उसी प्रकार का कंसेप्ट हम अपने दिमाग में लेते हुए लेट अस यूज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑन दीज टू टर्म्स 1/4 कॉस ए एंड कॉस क्यूब ए। तो इसका अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन अंडर रूट ऑफ 1/4 कॉस ए इंटू कॉस क्यूब ए। करेक्ट, दैट इंप्लाइज दैट 1/4 कॉस ए प्लस कॉस क्यूब ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, अच्छा दोस्तों यहां पे कॉस टू द पावर 4a बनेगा, जिसका अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बनेगा 2, और ये लेफ्ट साइड का 2 उस 2 को कैंसिल कर देगा, जो कि बेसिकली सिंप्लीफाई होगा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इस चीज़ को हम अपने ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को हमें, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले x1 प्लस x3 को ऐड करते हैं। तो x1 प्लस x3 को अगर आप ऐड करोगे तो बेसिकली आप इस वाले एक्सप्रेशन को लास्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर रहे हो। तो जो मैंने टिक मार्क किया हुआ है, आप उन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका 1/4 कॉस ए प्लस कॉस क्यूब ए, 1/4 कॉस बी प्लस कॉस क्यूब बी, 1/4 कॉस सी प्लस कॉस क्यूब सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा, हम यहां पे जो ए एम जी एम इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर पा रहे हैं कि हमारा ट्राइंगल एक्चुअली एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी वजह से हमारा कॉस ए और कॉस क्यूब ए दे बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर ये नहीं हो पाता था तो हम लोग शायद ये इनइक्वालिटी नहीं यूज करते, पर क्योंकि हमें मालूम है ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कॉस ए कॉस बी कॉस सी सारे पॉजिटिव होंगे, उनके क्यूब भी पॉजिटिव होंगे, इसी कारणवश हम इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे दोस्तों यूज कर पा रहे हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा टर्म बन के आया यहाँ पे, जो मैं आपके सामने येलो कलर से सर्कल कर रहा हूँ, इस टर्म को हम जानते हैं कि दिस टर्म इज ग्रेटर दैन कॉस स्क्वायर ए। तो मैं क्या करूँगा,
कि इस टर्म को मैं cos square a से रिप्लेस कर दूंगा। उसी प्रकार से ये जो सेकेंड टर्म है हमारे पास, ये जो मैं आपके सामने सर्कल कर रहा हूं, इसे भी मैं चेंज कर सकता हूं cos square b से, ठीक है। लास्टली cos square c से इस टर्म को रिप्लेस कर सकता हूं, करेक्ट। अब 2 cos a cos b को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं जैसे पहले था, राइट। दोस्तों अब क्या होगा कि ये इक्वल टू नहीं रह जाएगा, अब दिस टर्म x1 plus x3 will actually be greater than this term, जी हाँ, क्योंकि ये टर्म ग्रेटर है cos square a से, ये टर्म ग्रेटर है cos square b से, और ये टर्म ग्रेटर है cos square c से। तो जब आप उनको cos square a, cos square b और cos square c से रिप्लेस करोगे तो पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन थी x1 plus x3 that will become greater than equal to cos square a, cos square b plus cos square c plus 2 cos a, cos b, cos c, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो टर्म जो आपके सामने आया है, ये टर्म इज डबल ऑफ x2। आइए x2 को देखते हैं फिर से, x2 है हमारा ये टर्म, तो इसको अगर आप डबल अप कर दोगे तो यही टर्म बन के आता है, isn't it? So this term is greater than 2x2, that means x1 plus x2 plus x3 is actually greater than 3x2, जी हाँ। चलिए यही तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया हमारे लिए कि हम एटलीस्ट ये पता कर पा रहे हैं कि x1 plus x2 plus x3 is greater than equal to something। अब दोस्तों आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशनल आइडेंटिटी पे, जो कि शायद लोगों को मालूम होगा, दैट इफ इन अ ट्राइंगल cos square a plus cos square b plus cos square c plus 2 cos a cos b cos c, ये मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, राइट। कैसे होती है इसका प्रूफ भी मैं इसी वीडियो में दे देता हूं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो दोस्तों सबसे पहले ये ट्राइंगल के लिए ट्रू है, दोस्तों ट्राइंगल के लिए ट्रू है, दैट मीन्स इफ a plus b plus c is pi, देन दिस पर्टिकुलर रिलेशन विल बी ट्रू। तो इसका प्रूफ क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो cos square a हम सब जानते हैं इट्स 1 plus cos 2a by 2, ठीक है। सिमिलरली cos square b, cos square c को भी हम लोग 1 plus cos 2b by 2 and 1 plus cos 2c by 2 की तरह लिख सकते हैं। तो आइए इस एक्सप्रेशन को, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को हम लोग इसी प्रकार से तोड़ देते हैं, 1 plus cos 2a by 2, 1 plus cos 2b by 2, 1 plus cos 2c by 2 plus 2 cos a cos b cos c, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस सिंप्लीफाइज टू, तो दिस सिंप्लीफाइज टू 3 by 2 plus half of cos 2a plus cos 2b plus cos 2c plus twice of cos a cos b cos c, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे मैं यूज करने वाला हूं अपना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। So in transformation formula, we can write sum of two cosines as product of cosines also. Like cos 2a plus cos 2b can be written as 2 cos a plus b into cos a minus b. ठीक है? चलिए, बाकी के terms को हम ज़्यादा disturb नहीं करते हैं, उनको as it is रहने देते हैं, ठीक है? अब दोस्तों, क्योंकि हम ट्राइंगल के साथ डील कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं cos of a plus b, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये pi minus c है, so this will become 2 cos pi minus c, 2 cos pi minus c is minus cos c, correct, minus cos c, ठीक है। और साथ ही साथ cos 2c को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 cos square c minus 1 में भी, correct। और बाकी के टर्म्स को मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। अब यहां पे जो हमें मिलेगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 by 2 plus half of, अब आइए यहां पे हम क्या करेंगे, minus 2 cos c को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स से, ठीक है। minus 2 cos c को कॉमन लेने पे हमें मिलेगा cos of a minus b minus माइनस cos c, माइनस cos c को हम लोग प्लस cos a प्लस b भी लिख सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, बाय यूजिंग द सेम फैक्ट दैट a प्लस b प्लस c इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज, इजंट इट। तो दोस्तों यहां पे जो सिंप्लीफिकेशन होगा, आइए देखते हैं उससे क्या निकल के आता है। तो cos a प्लस b और cos a माइनस b विल गिव यू 2 cos a cos b, ओके, माइनस 1, ठीक है। और ऑफ कोर्स बाहर में जो हमारा टर्म था 2 cos a cos b cos c, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पूरा का पूरा टर्म सिंप्लीफाई करना है,
तो दोस्तों इसके सिंप्लीफिकेशन से हमें मिल जाएगा 3/2। और देखिए एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल वी हैव -2 cos a cos b cos c टर्म लेफ्ट ऑफ, ठीक है। और हमें मिलेगा -half भी, +2 cos a cos b cos c। सो जो दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 3/2 माइनस हाफ आपको मिलके आएगा 1, करेक्ट। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? कहने का मतलब है कि आप का जो 2x2 है वो 1 है, दैट मींस x2 वैल्यू इज 1/2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द क्वेश्चन। जी हाँ, तो जो एक्सप्रेशन था हमारा यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन था, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था 2x2 के बराबर, और 2x2 है 1 के वैल्यू के बराबर, मींस x2 इज इक्वल टू हाफ। अगर x2 इक्वल टू हाफ है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी ग्रेटर दैन 3x2, विच मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी ग्रेटर दैन 3/2। जी हाँ, जिससे हमें मिल जाता है मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, जो कि हो गया यहाँ पे 3/2। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वो है 3/2, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी इसका सही जवाब है। दोस्तों हमें यहाँ सीखने को मिला कि कैसे AMGM का इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए और कंडीशनल आइडेंटिटीज कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे लिए किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों के मदद से हम लोग ने आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। So I hope you have learned a lot from this problem. Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy.